डिजिटल इंडिया के दौर में भारतीयों के बीच ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। आज हम रोजमर्रा के तेल, साबुन से लेकर टीवी, फ्रिज और आईफोन तक सब कुछ ऑनलाइन ही खरीद रहे हैं। खाना ऑर्डर करने के साथ ही मूवी की टिकट भी ऑनलाइन ही बुक कर रहे हैं। भारत में एक और जहां पर ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, वहीं खर्च के पैटर्न में बड़ा बदलाव यानी बड़े चेंजेस देखे जा रहे हैं। यूपीआई के आने के बाद से लोगों के खर्च का तरीका ही बदल गया है। लोग जमकर मोबाइल से शॉपिंग कर रहे हैं। इसका खामियाजा डेबिट कार्ड को झेलना पड़ रहा है। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार लोगों ने जेब से डेबिट कार्ड निकाल कर रख दिया है, यानी डेबिट कार्ड को अब इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया है। यूपीआई ऐप के बढ़ते प्रयोग के बीच बीते 2 साल में डेबिट कार्ड का उपयोग लगभग आधा हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के ताजा आंकड़ों की माने तो सितंबर 2023 में ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर डेबिट कार्ड का इस्तेमाल घटकर आधा रह गया है। पिछले साल अप्रैल में डेबिट कार्ड से जहां 117 मिलियन ट्रांजैक्शन किए गए, वहीं सितंबर 2023 में सिर्फ 51 मिलियन ट्रांजैक्शन ही किए गए। यहां गिरावट सिर्फ ट्रांजैक्शन में ही नहीं आई, बल्कि डेबिट कार्ड से होने वाला खर्च भी 16% घट गया है। अप्रैल 2022 में जहां डेबिट कार्ड से 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं सितंबर 2023 में ये आंकड़ा घटकर 16,127 करोड़ रुपए रह गया है। सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन स्टोर्स पर भी डेबिट कार्ड का इस्तेमाल घट गया है। अप्रैल 2022 में डेबिट कार्ड से 213 मिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे, वहीं सितंबर 2023 तक ये आंकड़ा 38% गिरकर 132 मिलियन हो गया है। जहां डेबिट कार्ड से खर्च लगातार घट रहा है, वहीं मर्चेंट पेमेंट के मामले में यूपीआई से भुगतान में 3 गुना का उछाल आया है। अप्रैल 2022 से ही अगर हम इसकी कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो यूपीआई से 2.2 बिलियन मर्चेंट पेमेंट हुए, वहीं सितंबर 2023 में यूपीआई से 6.1 बिलियन ट्रांजैक्शन किए गए। ये तो हुई आंकड़ों की बात, लेकिन अब उन कारणों यानी उन वजहों पर गौर कर लेते हैं जिनके कारण डेबिट कार्ड पेमेंट लगातार पिछड़ रहा है। तो दरअसल डेबिट कार्ड की सीधी टक्कर यूपीआई से है। पेमेंट के दोनों ही तरीकों में पैसा आपके बैंक अकाउंट से कटता है। ऐसे में अधिक सुविधाजनक, ज्यादा सुविधाजनक होने के कारण लोग यूपीआई को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मोबाइल आपके हाथ में हमेशा रहता है। आपको डेबिट कार्ड को जेब से निकाल कर कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV वगैरह वगैरह ऐड करना होता है। बस 4 अंक का यूपीआई पिन दर्ज कर दिया और हो गया पेमेंट। यही कारण है कि ऑनलाइन पेमेंट करना हो या ऑफलाइन, लोग छोटे पेमेंट्स के लिए यूपीआई का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया में बढ़ रहे फ्रॉड भी इसका बड़ा कारण है। बीते कुछ सालों में ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में डेबिट कार्ड सबसे घातक साबित हुआ है। डेबिट कार्ड की क्लोनिंग और चोरी के चलते लोग अब इसका इस्तेमाल करने से बचने लगे हैं। इसके अलावा कई बार ऑनलाइन पेमेंट में डेबिट कार्ड पर एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, वहीं यूपीआई से पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगता। लोग एक्स्ट्रा चार्ज देने से बचने के लिए भी डेबिट कार्ड की जगह यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी तरह के कार्ड्स की हालत खराब है, हालत एक जैसी है। जहां डेबिट कार्ड अपनी चमक खो रहा है, वहीं क्रेडिट कार्ड पेमेंट और ट्रांजैक्शन दोनों में उछाल आ रहा है। अगर हम वर्तमान की बात करें तो देश में लगभग 93 मिलियन क्रेडिट कार्ड हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पर अप्रैल 2022 में 107 मिलियन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन हुए थे, तब से सितंबर 2023 तक 22% का इजाफा इसमें देखने को मिला है। इस साल सितंबर में क्रेडिट कार्ड से 131 मिलियन ट्रांजैक्शन किए गए। इस दौरान क्रेडिट कार्ड से भुगतान भी 65,652 करोड़ रुपए से बढ़कर 92,878 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है। तो इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि डेबिट कार्ड के मुकाबले यूपीआई अब कितना आगे निकल चुका है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9।